हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सम्यूजिंग टॉपिक दैट इज़ कोलिकेशन एंड कॉलीगेशन इस टॉपिक में बेसिकली जो मेन इशू आता है स्टूडेंट्स को दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोलाकेशन एंड कॉलीगेशन सो इस पूरी वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन दैट वाट इज़ कोलिकेशन वट इज़ कोलीगेशन कोलिकेशन कंपाउंड वर्ड्स और ई से कैसे डिफर करता है And secondly, in the last, we will discuss that what is the major difference between collocation and collocation. Like we will combine them. Starting with the very first thing, like a uh, general introduction, collocation and collocation. Collocation refers to the association of the words. Like ham wo words to co use a ya word ke kisi word ko use aur strand That is collocation. फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड फास्ट फूड के साथ कॉलोकेट करता है तो ये कॉलिकेशन बन गई है क्यों क्योंकि हम हैबिचुअल कोअकरेंस के तौर तो पर इसको यूज करते हैं सेकेंडली वी हैव कॉलीगेशन कॉलीगेशन बेसिकली द ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वे द फंक्शन इन द सिटेक्टिक स्ट्रक्चर कॉलोकेशन में हम उसके सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर पर इतना फोकस नहीं करते बट इन कॉलीगेशन हमें उसकी ग्रामेटिकल और सिंटेक्टिक दोनों स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से और वर्ड से देखना पड़ता है स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेशन ऑफ कॉलिकेशन सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वट इज कॉलिकेशन वट आर द टाइप्स ऑफ कॉलोकेशन एंड वट आर द यूज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इट बेसिकली अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हम वर्ड पार्टनर्स भी कहते हैं कोलोकेशन को कॉलोकेटेड वर्ड्स को ये वो पेयर या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हम ज़्यादातर इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी कि जो एजेक्टिव फास्ट है वो हमेशा फूड के साथ ही कॉलोकेट होता है ना कि हम ये कहते हैं कि फास्ट मील वी ऑलवेज से फास्ट फूड तो ये कॉलिकेशन है कॉलिकेसन की एक खास बात ये है कि ये नेटिव स्पीकर्स को तो बहुत नेचुरल लगती है लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि कुछ वर्ड्स उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं कैस करना समटाइम्स अपेयर ऑफ वर्ड्स में नॉट बी ऑब्वियसली रॉन्ग एंड पीपल विल अंडरस्टैंड वॉट इज मैंट बट इट मे नॉट बी द नैचुरल नॉर्मल कॉलिकेशन अब इसमें क्या बात की गई है कि ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो तो समझ आ जाते हैं लेकिन वो कॉलीकेशन नहीं होती यानी कि हमें मतलब समझ आ जाता है जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई लॉस्ट द बस मतलब समझ आ जाएगा बट इट इज़ नॉट द नॉर्मल कॉलिकेशन असल में जो कॉलिकेशन होगी वो होगी आई मिस्ड द बस मिस्ड इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर बस छूट जाना ना मैं कि मैं कहूँगी आई लॉस्ट द बस इफ़ समन सेज़ आई डिड अ फ्यू मिस्टेक्स दे विल भी अंडरस्टुंड समझ आ जाएगी बट फ्लूट इंग्लिश वुट प्रोबेबली से आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स इसी तरह की एक और एग्जाम्पल है लाइक शी कमर डइसाइड अब हम ये नहीं कह सकते शी अंडर टुक और शी डिड सुसाइड तो ये कॉलोकेशनस हैं जो नॉमली यूज़ होती हैं नेटिव स्पीकरस को तो बहुत ईजीली समझ आ जाती हैं लेकिन uh, कुछ इंग्लिश स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स जो हैं या कोई इंग्लिश जो स्पीकर है वो इसको गलत uh, बोल देता है या सही कॉलोकेशन यूज़ नहीं करता

हम हैवी स्मोकर कह सकते हैं बट अ स्ट्रोंग स्मोकर या कोई बिग स्मोकर दिस इज़ नॉट कॉलिकेशन इसी तरह इलनेस को ज़ाहिर करने के लिए वी कैन से अ सीरियस इलनेस ना कि हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलनेस मैंने पहले भी बस की एग्जाम्पल दी डेट आई मिस्ड द बस नॉट आई लॉस्ट द बस सेम एज मिस्टेक्स लाइक आई मेड अ मिस्टेक एंड आई डिड अ मिस्टेक आई डिड अ मिस्टेक गलत होगा बट आई मेड अ मिस्टेक विल बी द करेक्ट वन So, before coming towards the types of collocation, let me discuss something that your language will be more natural and more easily understood if you use collocation. For example, smoking is strictly forbidden. This is not natural. If you say that smoking is strongly forbidden, our mind, it's very easy to remember and use the language in chunks or blocks. If we use words so chunks, then it's very easy for our brain to remember it rather than using a single word. तो हम जब राइटिंग भी करें ना तो कोलोकेशन उसमें बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले करती है लाइक इफ यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग विच इज़ वेरी कोल्ड एंड वेरी डार्क यू आर सेइंग दैट इट वाज वेरी कोल्ड एंड इट वाज वेरी डार्क सो इफ यू यूज़ कॉलोकेशन इन दिस यू कैन से इट दैट इट वॉज बिटरली कोल्ड एंड पिच डार्क तो बिटरली कोल्ड कोलोकेशन है पिच डार्क कोलोकेशन है तो so ये हमारा राइटिंग स्टाइल भी इम्प्रूव करती है So now coming towards the type of collocation, as you are seeing in your screens, that uh, types of collocations are two. Number one, lexical collocation and one is grammatical collocation. Coming towards their explanation, main difference between both of them is, first of all, collocations. Lekin jo, sorry, uh, it was a spelling mistake. It is collocation, not uh, collocation. So, <clears throat> okay. बेसिकली द लेग्सिकल कॉलोकेशन इज़ अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वे आर द वर्ब नाउन एजेक्टिव और एडवर्ब यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो एक प्रिडिक्टेबल कनेक्शन में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे एड वर्ब के साथ एग्जेक्टिव की एग्जाम्पल क्या हो सकती है कम्प्लीटली सेटिसफाइड हम कह सकते हैं ना आई एम कम्प्लीटली सेटिसफाइड बाई ए वर्क लेकिन हम ये नहीं कह सकते आई एम डाउन राइट सेटिसफाइड बहुत एक अजीब सा एक लगता है लाइक डाउन राइट सेटिसफाइड सो ये एक कॉलिकेशन है जिसमें हम किसी भी एडवर्ब को एजेक्टिव के साथ नाउन को वर्ब के साथ जैसे नाउन और वर्ब की एग्जाम्पल है लाइन्स डॉर अब हम नहीं कहते लाइन्स शाउट दिस इज नॉट कॉलिकेशन लाइन्स ड्रॉर इज़ अ कोलिकेशन तो इसमें हम एक बहुत ही प्रडिक्टेबल कनेक्शन बना लेते हैं एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ दैट इज लेक्सिकल कॉलिकेशन बट इफ यू टॉक अबाउट द ग्रामेटिकल कॉलिकेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वेयर फॉर एग्जाम्पल अ वर्ब और एजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर परपोजिशन और अ नाउन मस्ट बी फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि हमने डिफाइन कर लिया है कि इस वर्ब के बाद ये वाली प्रपोजिशन ही यूज़ होगी ग्रामेटिकल क्वालिकेशन में हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन का लाइक like, अगर मैं बात करूँ डिपेंड तो हमेशा डिपेंड ऑन के साथ यूज़ होगा आई कैन नॉट से डिपेंड ऑफ ही इज़ डिपेंड ऑन हिज फादर तो डिपेंड ऑन होगा ये नहीं कह सकते ही इज़ डिपेंड ऑफ हिज़ फादर इसी तरह लिसन टू हमेशा लिसन के साथ टू यूज होता है एंड सिमिलरली वी कैन से अफ्रेड ऑफ लाइक आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स तो मैं ये नहीं कह सकती आई एम अफ्रेड एट स्नेक्स नो इट विल बी रॉन्ग सो द करेक्ट ग्रामेटिकल कॉलिकेशन विल बी अफ्रेड ऑफ अब बात आ जाती है कॉलिकेशन कैसे अलग है कंपाउंड वर्ड्स और ईडियम से सो कॉलिकेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द ईडियम्स ओल द बोथ आर सिमिलर इन दैट दैट देर इज़ अ डिग्री ऑफ मीनिंग प्रजेंट इन द कॉलोकेशन और ईडियम दैट इज़ नॉट इंटायरली कम्पोजिशनल अब हम बारी, बारी बारी बात करेंगे कि वाट आर कंपाउंड वर्ड्स और वाट आर ईडियम्स और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये लोग डिफेंट हैं आप ये चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं कम्पाउंड वर्ड्स कैसे अलग हैं ईडियम्स कैसे अलग हैं और कॉलोकेशन से ये कैसे डिफर करते हैं ये जाहरी बात है कि लर्नर्स के लिए इट इज़ नॉट ईजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम क्योंकि ये ज़्यादातर मिलती जुलती चीज़ें सो लेट्स डिस्कस वन बाई वन सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड वर्ड्स की अब कंपाउंड वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो एक या एक दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के मिलने से बनते हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बुक स्टोर पोस्ट ऑफिस नैरो माइंडेड अब ये कंपाउंड वर्ड्स जो हैं ये दो मिल एक ही वर्ड बना देते हैं अब हम नैरो अकेला यूज़ करें माइंडेड अकेला यूज़ करें तो इनके अलग अलग मीनिंग्स चेंज हैं बट इफ यू यूज नैरू माइंडेड तो ये कंपाउंड वर्ड है दिस इज नॉट कॉलिकेशन एंड ईडियम्स आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ वेरी फिक्सड ऑर्डर दैट हैव द मीनिंग दैट कैन नॉट भी केसड बाई नोइंग मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स ईडीएम्स बेशक एक दूसरे के मीन्स वर्ड्स की आपस में ज्वाइनिंग है लेकिन ये आपस में मीनिंग वो नहीं देती यानी कि सर्फेस मीनिंग नहीं होता ई डीएम्स का ई डीएम्स पढ़ने में कुछ और होते हैं बट इन द डीप दे हैव चेंज मीनिंग्स लाइक पास द बक दिस इज़ एन ईडियम मीनिंग टू पास अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रॉब्लम टू अनदर पर्सन टू अवॉइड डीलिंग विद इट वन सेल्फ तो ईडियम्स के बेसिकली जो मीनिंग्स होते हैं वो चेंज्ड होते हैं उनके सरफेस या लिटरल मीनिंग नहीं होते सो कंपाउंड वर्ड्स अलग वर्ड्स हैं लाइक इनके जो मीनिंग्स हैं दीज आर कंपोजिशनल और जो ईडियम हैं वो अलग हैं क्यों क्योंकि उनके मीनिंग्स जो हैं वो इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग्स से हमें नहीं पता लग सकते लेकिन कॉलिकेशन बेसिकली ये कोअक्रेंसिस है वर्ड्स की कि हम एक प्रडिक्टेबल कनेक्शन बना लेते हैं कि ये वर्ड इस वर्ड के साथ कॉलोकेट होगा सो नाउ कमिंग टू वर्ड्स दॉलीगेशन अब कॉलीगेशन का जो लफ्जी मतलब है डेट इज टू बाइंड टू यूनाइट यानी कि ग्रुपिंग कर देना वर्ड्स की ये कॉलीगेशन है अब बेसिक जो डिफरेंस है कि हम कॉलीगेशन की टर्म कहाँ यूज करते हैं वी कैन से कॉलोकेशन हम कह सकते हैं कि भाई वर्ड्स को जोड़ दिया तो वो कॉलोकेशन है कॉलीगेशन की ही न्यू टर्म क्यों आई है जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि कॉलिकेशन में हम सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर को इतना फोकस नहीं करते एनी हाउ वहाँ पर भी यूज़ होता है सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर कि हम एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव लगा रहे हैं नाउन के साथ वर्ब लगा रहे हैं लेकिन कॉलिगेशन में हम खास तौर पे वर्ड्स की देखते हैं ग्रुपिंग के वो किस तरह से सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में फंक्शन कर रही हैं लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन तो डेफिनेशन इज लाइक अ कॉलीगेशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वे द फंक्शन इन अंटेक्टिक स्ट्रक्चर अब हमने इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लाजमी देखना होता है कॉलीगेशन में और मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि डिपेंड के साथ हमेशा ऑन ही यूज होता है यानी कि एक चीज़ कन्फर्म्ड है कि इस वर्ड के साथ ये वाला वर्ड ही यूज होगा अब कॉलीगेशन बेसिकली जो जिस वर्ड से ये डिराइव है ना डैट वॉज अ लेटिन वर्ड कॉलीगियर कॉलीगियर का मतलब होता है टाई टुगेदर किसी चीज़ों को आपस में जोड़ना बेसिकली ये इस चीज़ को रेफर करती है कि आइटम्स किस तरह अपने सिंटेक्टिकली आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलते हैं सो दिस इज़ बेसिकली कॉलीगेशन अब इस पूरे कॉलीगेशन और कॉलिकेशन के प्रोसेस पे एक थ्योरी थी वो है लेक्सिकल प्राइमिंग और ये जिसने दी थी ही वॉज़ माइकल होए ही इज़ अ लिंग्विस्ट एंड अब ये क्या थ्योरी थी ये थ्योरी बेसिकली लेग्जिकॉन के बारे में थी लाइक like, कैसे वर्ड्स जो हैं वो आ, ये सारी ना लैंग्वेज की थ्योरी पर बेस करती थी ये पूरी थ्योरी कि कैसे वर्ड्स हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं लाइक हाउ द वर्ड्स आर यूज इन द रियल वर्ल्ड हेयर दे आर नॉट कन्फाइंड टू द डेफिनेशन गिवन टू दैम इन डिक्शनरीज बट इन स्टेट इंटरेक्ट विद अदर वर्ड्स इन कॉमन पैटर्न इस थ्योरी में इसने ये सारी लैंग्वेज के बारे में बताया था कि वर्ड सिर्फ वही नहीं है जो हमें नज़र आते हैं हम वो भी चीज़ें वर्ड्स के अंदर होती हैं कि वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं और उन मीनिंग्स को जब दो वर्ड्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो आपस में क्या सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या पैटर्न बनाते हैं तो वो वर्ड्स के पैटर्न को भी डिस्कस किया था बेसिकली द होल थ्योरी क्लेम्स डैट वी होल्ड इन अवर माइंड एलैबरेट नेटवर्क ऑफ पॉसिबल कोअकरेंसीज पैटर्न डेट आर लिंक टू डोमेन इसमें कॉलिकेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि हम किस तरह हमारा जो माइंड है वो किस तरह वर्ड्स को आपस में पैटर्नाइज कर देता है वर्ड्स को किस तरह आपस में लिंक कर देता है कि हमें वो चीज़ें याद रहती हैं और हम फिर उन वर्ड्स की ही कोअकरेंसी से कॉलिकेशन बनाते हैं नेक्स्ट वी हैव कंबाइनिंग कॉलिकेशन एंड कॉलिकेशन सारा बता दिया कि कॉलोकेशन क्या है एंड कॉलिकेशन क्या है दोनों बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स हैं हम दोनों में ही वर्ड्स को जोड़ रहे हैं बट द मेजर डिफरेंस लाइज इन देंटेटिक स्ट्रक्चर कॉलोकेशन में हम कोएक्रेंसिस के तौर पे यूज करते हैं यानी दिस इज प्रिडिक्टेबल लाइक फास्ट फूड दिस इज कॉलोकेशन बट अगर मैं कॉलीगेशन की बात करूंगी तो मैं इसकी सिंटेक्टिक कैटेगरी देखूंगी कि नाउन के साथ एडवर्ब ही लग रहा है या एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब लग रहा है नाउन के साथ एडजेक्टिव लग रहा है ये सारी चीज़ें मैं कॉलीगेशन में देखनी पड़ेंगी सो कमिंग टू वर्ड्स द कंक्लूजन आई विल कंक्लूड द होल टॉपिक लाइक इन कॉलिकेशन वी हैव जस्ट लिग्जिकल अप्रोच हम सिर्फ वर्ड्स तक अप्रोच करते हैं हम उसके अंदर नहीं जाते कि उसका सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर क्या है उसकी ग्रामेटिकल अप्रोच क्या है नो no.

कि ठीक है हम स्मोकिंग uh, uh, के साथ लाइक स्ट्रिक्टली फॉरबिडन लगा देते हैं स्ट्रिक्टली फॉरबिडन तो ये हमने पोजिशनिंग कर दी कि ठीक है फॉरबिडन से पहले जो है वो स्ट्रिक्टली आ जाएगा तो दिस इज पोजिशनिंग हम सिर्फ वर्ड्स को अरेंज कर देते हैं बट इन कॉलिगेशन वी बाइंड देम टुगेदर लाइक डिपेंड डिपेंड ऑन डिपेंड के साथ एन आएगा वो सॉरी डिपेंड के साथ ऑन आएगा हमेशा सिमिलरली अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा तो ये हमने बाइंड कर दिया इन वर्ड्स को डेट दे आर दे आर वर्ड पार्टनर्स आगे नेक्स्ट वी हैव इन कॉलिकेशन यू शैल नो द वर्ड बाय द कंपनी इट कीप्स ये तो एक बहुत ही फेमस uh, है लाइन डेट हर चीज़ को उसकी कंपनी से जाना जाता है तो वर्ड्स को भी उनकी कंपनी से पहचाना जाता है कि अगर एक वर्ड है तो उसके साथ कौन सा वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ कॉलेकेशन बट इन कॉलिकेशन देयर इज़ अ को एक्क्रेंस ऑफ अ लिग्जिकल आइटम विद ग्रामेटिकल फंक्शंस कॉलिकेशन में हम सिर्फ लेक्सिकल आइटम को देखते हैं कि अच्छा इस वर्ड के साथ ये वाला वर्ड यूज हो गया बट इन कॉलीगेशन हम लेक्सिकल आइटम के साथ साथ उसके ग्रामेटिकल फंक्शन को भी देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब के साथ नाउन है तो वो क्या फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है उसका क्या रोल है यहाँ पे तो कॉलिकेशन एंड कॉलीगेशन आर बोथ द ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बट दे आर डिफरेंट इन देर अप्रोचेज सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉलिकेशन एंड कॉलिकेशन आई डोंट थिंक सो कि अब किसी का भी कोई क्वायरी रह गई होगी बट इफ देयर एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट